हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? चल तो चलिए आज बनाते हैं आलू गोभी की चटपटी सब्ज़ी। जिन लोगों की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है उन लोगों को एक एक ये डिश एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आपको लेना है एक बड़ी गोभी और उसको अच्छे से काट लेना है, साथ में लेने हैं दो तीन आलू और उनको भी अच्छे से काट के वॉश कर लेना है। कढ़ाई में लेना है ऑयल और उसको गर्म कर लेना है, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें आलू और गोभी को डीप फ्राई करेंगे तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हमें इन्हें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो हम इसे बारी बारी करके टू पार्ट्स में अलग अलग करके हम गोभी को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, और जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम अपनी गोभी को निकाल कर अलग प्लेट में रख देंगे। इससे और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा हम उसे एक अलग बर्तन में निकाल के साइड कर देंगे। हमें जितना ऑयल चाहिए हम बस उतना ही ऑयल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम, ये देखिए, और उसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरा ऐड करने के साथ ही जैसे ही हम उसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च, और साथ के साथ हम डाल देंगे एक बड़ा टमाटर। टमाटर को यहाँ पे हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, एक या दो सेकंड के लिए हम बस इसको बस फ्राई करेंगे, और उसके साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। हमें टमाटर को पानी के साथ पकाना है और क्योंकि हम चाहते हैं सारा फ्लेवर जो है और टमाटर और पानी में आ जाए, टमाटर का सारा फ्लेवर पानी में आ जाए। और इसी पानी में हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। इसे हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए, और जैसे ये भुन जाएगा तो हम आप शुरुआत में ही नमक डाल सकते हैं या फिर थोड़ा रुक कर भी नमक डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको भून रहे हैं, टमाटर हमें अच्छे से गलाने हैं इस पानी के साथ ताकि फ्लेवर अच्छे से उबल के आ जाए। और अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और जैसे ये अभी और इसको 1-2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, सारा जो है मसाला भून जाएगा। जैसे ही मसाला भून जाए, जैसे कि ये हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे गोभी। गोभी को हमें इसमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है और मिक्स करना है मसाले को अच्छी तरीके से। तो हमारी गोभी जो है लगभग रेडी हो गई है, बस हमें 2-3 मिनट के लिए हमें इसको मिक्स करना है स्लो फ्लेम पे। तो हमारी सब्ज़ी रेडी है, बताइएगा आपको कैसी लगी।